हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश कुमार सिंह। वेलकम टू माय चैनल ग्रामर पॉइंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन जेंडर इन दिस लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग जेंडर के बारे में चर्चा किए थे, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो उसकी हमने डिटेल डिफिनीशंस दी थी, कुछ रूल्स भी दिए थे। अब अगला हम आगे जो है रूल्स पर चर्चा करेंगे। रूल नंबर सेकेंड, रूल सेकेंड्स है, सेकेंड है बीमिंग फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर बाई एडिंग EWS at the last of nouns। बीमेक फेमिनिन जेंडर, हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर, किससे? मैस्कुलिन जेंडर से, बाई एडिंग EWS। क्या जोड़ करके? EWS जोड़ करके एट द लास्ट ऑफ नाउन, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में हम EWS जोड़ करके क्या बनाते हैं? मतलब मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे पोएट, POET, पोएट का पोएटस, कवि, पोएट मीन्स कवि और पोएटस मीन्स कवित्री। अब देखिए इसमें क्या जोड़ा गया, EWS जोड़ा गया। शेफर्ड, SHEPHARD, शेफर्ड मीन्स गरेडिया, इसका शेफर्डस, SHEPHARD, शेफर्डस। लायन, लायन का शेर, इसका लायनस, लायन का शेर, इसका लायनस। जेंट, GIANT, जेंट का जेंटस, जाइंट। जेंट का जेंटस। प्रिंस, प्रिंस का प्रिंसेस, प्रिंस मीन्स राजकुमार, राजकुमार का राजकुमारी, प्रिंस का आपका प्रिंसेस। उसके बाद होस्ट, होस्ट का होस्टेस, होस्ट का होस्टेस। और एयर, HEIR, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, इसका हेयरस, HEIRES। तो इस तरह से आपने देखा कि EWS जोड़ करके नाउन में के अंत में EWS जोड़ करके क्या बनाते हैं आपको, मतलब फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। इसमें आप सभी में देख रहे हैं क्या जोड़ा गया है, EWS, EWS जोड़ करके फेमिनिन जेंडर आपका बनाया गया है। अब आगे चलते हैं रूल थर्ड पर। रूल थर्ड है, इन सम नाउंस
be removed the last vowel. वावेल में कौन कौन आता है, ए आई वो यू, ए आई वो यू में से कोई आता है तो उसको हटा देते हैं एंड एड ई डबल एस, ई डबल एस फॉर मेकिंग feminine gender, for making feminine gender. Feminine gender को बनाने के लिए जो है ई डबल एस जोड़ते हैं और लास्ट वावेल को हटा दिया जाता है. जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इम्परर, ई एम पी ई आर ओ आर, इम्परर माने सम्राट. अब आप देखें यहाँ तो क्या हो जाएगा, इम्परर इसका इम्प्रेस, ई एम पी आर ई डबल एस, इम्प्रेस ई एम पी आर ई डबल एस इम्प्रेस. उसके बाद हंटर, हंटर का हंट्रेस, एच यू एम टी आर ई डबल एस हंट्रेस. इसी तरह से टाइगर. अब देखिए आपका लास्ट जो है वावेल क्या किया जा रहा है, वो हटाया जा रहा है. टाइगर का टाइग्रेस, टी आई जी आर ई डबल एस टाइग्रेस, टाइगर का टाइग्रेस. मास्टर, मास्टर का मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मास्टर का मिस्ट्रेस. एक्टर, ए सी टी ओ आर इसका एक्ट्रेस. ए सी टी आर ई डबल एस. अब इसमें आप देख रहे हैं कि वावेल को रिमूव किया जा रहा है. किसको रिमूव किया जाता है, वावेल को, वावेल को रिमूव करके ई डबल एस जोड़ा गया. जैसे इम्परर का इम्प्रेस, हंटर का हंट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस और एक्टर का एक्ट्रेस. तो इस तरह से जो है इसको बदल करके जोड़ा जाता है. इसी तरह से कुछ जो मेन है वो हम देखते हैं, काउंट, ये मतलब अगले रूल में, रूल फोर में हम देखते हैं काउंट, काउंट का काउंटेस, काउंट का काउंटेस. उसके बाद जार, एक्सक्यूटर, EXECUTOR, एक्सक्यूटर. इसका जार, सी
ZAR, CZAR जाल का CZAR. तो इस तरह से अब अगला हम रूल देखते हैं, पांचवा रूल. रूल नंबर 5 है, बाय चेंजिंग बिगिनिंग और लास्ट वर्ड्स, जैसे ही गुड, ही गुड का सी गुड. मैन सर्वेंट, इसका मेन सर्वेंट. मिल्क मैन क्या हो जाएगा? मिल्क मेड. मिल्क मेड. उसके बाद मिल्क मैन का मिल्क मेड. लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी. लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी. लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी. पीकॉक का पी है, पीकॉक का पी है. पीकॉक का क्या हो जाता है? पी है. बुल कॉक का काऊ कॉक. बुल काऊ का काऊ का. जैक आइस, इसका जैक आइस का जेनी आइस. जेनी आइस. ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट. अंकल का ग्रेट आंट. ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर. वासल मैन. वासल मैन का वासल मैन.
तो इस तरह से नाउन जेंडर में मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा किया और आपको यह भी बताया गया कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम क्या हैं। अब हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।